श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को सादर नमन। वैशाख मास सभी मासों में श्रेष्ठ मास है, जिसमें विष्णु की गई पूजा अर्चना आपको अनेक यज्ञों के फल को देने वाली है। इस मास में किया गया गंगा स्नान, सप्तगंगा स्नान आपको अधिकाधिक धर्म लाभ प्रदान करने वाला है। अतः यह सब कार्य करते हुए वैशाख मास के महात्म के अध्यायों का पाठ अवश्य करें, जो कि कोटि कोटि फल प्रदान करने वाला है। तो सुनिएगा आज छठे अध्याय की व्रत कथा। नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नाम वाला एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किंतु किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगे। उसने गऊ, भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने ना किया हो, परंतु उसने कभी वैशाख मास में जलदान नहीं किया। वह कहता था, अलभ्य वस्तु दान करने का फल है, जल तो सहज में ही लभ्य है। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेदपाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब करते हैं, अनाथ अनपढ़ डूले लंगड़े और दरिद्रियों की दुर्गति है और वही दया के पात्र हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म में गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर 1 राजा के महल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुत कीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुतदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। देवयोग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर पड़ते ही उसको अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे, तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूँगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ। मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। मैंने अनेकों गौदान और यज्ञ किए तथा बहुत से कुएं, तालाब, बावड़ी बनवाई, अनेकों दान दिए और धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग ना मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा और अब इस छिपकली योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणोदक छिड़क रहा था तो इसकी एक बूंद मुझ पर पड़ गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृतांत स्मरण हो आया और मेरे अनेक पाप नाश हो गए। मुझको 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो, तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जल दान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जान यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है और धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मणों को जल दान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। तुमने ना तो जलदान किया, ना साधुओं की सेवा की, इसी कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई। अब मैंने जो वैशाख का पुण्य किया है वह तेरे को दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के कर्मों के संस्कार
दूर हो जावेंगे। यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श करके एक दिन के बैसाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे पड़ते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप को छिपकली का रूप त्याग कर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर परिक्रमा करने लगा। नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्थ्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी का राज्य करने लगा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भगवन्नारायण नारायण हरि हरि। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को यदि मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी के सहयोग की निरंतर आकांक्षा रहेगी। जय श्री कृष्णा।